कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये कश्मीर का वो इलाका है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड के चारों तरफ आसपास में बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो झरने हैं और जो झीलें हैं, लेक्स हैं, वो सारे जम चुके हैं। हमारी एक ख़ास रिपोर्ट हमारे एक साथी ने तैयार की है, आइए देखते हैं कि वहाँ पे ठंड की हालत क्या है। ये अमरनाथ का कैंप है। यहाँ पे अमरनाथ के जितने भी आदमी आते हैं यहाँ पे कैंप लगती है। ये आप जैसे सामने देख रहे हैं वो रूट है जाने की। यहाँ से टोटल आदमी घोड़े पे बैठ के निकलते हैं और आ जाते हैं इस पहाड़ के पीछे है जो आपकी अमरनाथ यात्रा। यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे अमरनाथ यात्रा करने आते हैं। ये आपकी रूट है जो सामने दिख रही है दोनों पहाड़ों के बीच में, और ये कैंप है। ये आपका आसपास का जगह है, ये है जो आपका मिनी मार्ग जाती है रूट, इसे क्या आप देख सकते हो। ये है रूट, यहाँ पे जैसे गाड़ी लगी हुई है ये सब गाड़ी इधर से जाती है, ये मिनी मार्ग जाती है। ये है आपका अमरनाथ यात्रा वाला पहाड़, इसके जस्ट पीछे ही है अमरनाथ यात्रा। यहाँ के मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी की है कि ठंड अभी और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये दिसंबर का अब महीना जो है अब ख़त्म ही होने वाला है और जनवरी शुरू होने वाली है। और जो बर्फ़ है वो यहाँ की जलवायु के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो खेती होती है, जो केसर की खेती होती है या सेब की खेती होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये बर्फ़। तो यहाँ पे ठंड बढ़ने वाली है, पर्यटकों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रेजेंटली हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में हैं, गगनगिर ये जगह का नाम है, और ये स्नोफॉल हो रही है, हेवी स्नोफॉल आप देख सकते हैं। ये आर्मी की गाड़ी क्रॉस हो रही है, ये घोड़े 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 पार किए। ये हमारे होटल है,